हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी का EFL 1522 के बारे में। वीडियो पूरी तरह से डिटेल में होने वाली है दोस्तों। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिजेंटा कंपनी का CFL 1522 यह एक हाइब्रिड कॉलीफ्लावर की वैरायटी है दोस्तों। अगर आप इस साल कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं या फिर फूलगोभी की खेती करते हैं तो सिजेंटा कंपनी का CFL 1522 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैरायटी की फूलगोभी कौन कौन सी सीजन में खेती की जाती है। इस वैरायटी की फूलगोभी दोस्तों खरीफ सीजन और रबी सीजन में खेती की जा सकती है, वो भी रिकमेंडेड स्टेट के अनुसार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैरायटी की फूलगोभी कौन कौन सी स्टेट में खेती की जा सकती है। जैसे कि खरीफ सीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंग, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, यूपी एंड उत्तराखंड में जून महीने से अक्टूबर महीने के अंदर अंदर खेती कर सकते हैं दोस्तों। और खरीफ सीजन में यानी अक्टूबर महीने से मार्च महीने के अंदर अंदर तेलंगाना और केरल में इस वैरायटी की फूलगोभी की खेती आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैरायटी की फूलगोभी की नर्सरी के बारे में। जैसे कि दोस्तों, इस वैरायटी की फूलगोभी खरीफ सीजन और रबी सीजन में रिकमेंडेड स्टेट के अनुसार खेती की जा सकती है, ठीक उसी तरह इसकी नर्सरी आप जून महीने से जनवरी महीने के पहले 15 दिन के अंदर अंदर इसकी नर्सरी तैयार करने के साथ साथ प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी क्रॉप साइकिल के बारे में। इस वैरायटी की फूलगोभी दोस्तों प्लांटेशन के बाद लगभग 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैरायटी की फूलगोभी की प्रोडक्शन के बारे में। इस वैरायटी की फूलगोभी दिखने में लगभग व्हाइट होता है और दोस्तों एक गोभी की वजन लगभग 500 ग्राम से लगभग 800 ग्राम तक का हो सकता है, अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। इस वैरायटी की फूलगोभी के बीच लगभग प्रिंट रेट 760 रुपीस दिया गया है दोस्तों, जबकि 680 रुपीस में मैंने 1 पैकेट खरीदा था। हो सकता है कि दोस्तों आपके एरिया में प्राइस थोड़ा ज़्यादा या फिर कम कीमत पर भी आपको मिल सकता है। इस वैरायटी की फूलगोभी के बीज आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी सीड शॉप या फिर फर्टिलाइजर शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, या फिर इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आज की वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, उसके साथ साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।